अरे लड़कियों, खामोशी से सारी चीजें देख रही हो, क्या भेजा है वहाज ने, मुझे भी तो दिखाओ ना। अल्लाह पूछे तुम्हें परवशा, बड़ी जबान दराज हो गई हो तुम। इसे जबान दराज होना नहीं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं रुशना बीबी। बस भी करें आप दोनों, लड़ना शुरू करती है ना तो खत्म करना ही भूल जाती है। अरे ये क्या मीना बाजार लगा रखा है, चलो उठाओ ये सारी चीजें, मेरे कमरे में ले जाके अलमारी में रखो। हाय अल्लाह अम्मी, क्या चीजें उम्र कैद के लिए मंगवाई हैं? सारी चीजें आप अलमारी में रख देंगी? तो क्या उजाड़ने के लिए तुम लोगों को दे दूं? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके ये चीजें भेजता है, तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं? देख रही है खाला अम्मा, इन्हें अपने बेटे की फिक्र है लेकिन हमारी नहीं। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चे को, खैर से बड़ा ही मेहनती और हिम्मत वाला है। अरे वो नहीं इनकी फरमाइशी पूरी करेगा तो कौन करेगा? वो तो ठीक है खाला अम्मा, लेकिन मेरे बच्चे ने भी तो चार चार लड़कियों का फर्ज अदा करना है, चारों का जहेज बनाना, चारों को ब्याना, ये सब अकेला भला कैसे करेगा मेरा बच्चा बेचारा? अरे सब कुछ हो जाएगा, काहे को फिक्रमंद होती हो? यही तो मैं भी इनको समझाती हूँ कि मुस्तकबिल के खौफ से हमारा हाल खराब ना करें, हमारी शादियाँ जब होनी होंगी हो जाएंगी। अरे अकेला में तो शुरू से ही अकल की कमी है। अच्छा छोड़ इन बातों को, अच्छा ये बता वहाज ने मेरे लिए मेहंदी भेजी? अरे आइए ना लेकर आती हूँ। हद करती हैं खाला माँ, आप भी पाकिस्तान में क्या बैन लग गया मेहंदी पर जो आपने दुबई से मंगवा ली है? यहाँ की मेहंदी में रंग नहीं आता, इसलिए मैंने वहाज से कहा था कि वहां से मुझे मेहंदी भेजे, वहाँ की मेहंदी में रंग बहुत ही तेज आता है। शाबाश है खाला माँ, मैं लड़कियों की बेहिसी पे रो रही हूँ और आप भी बस। अरे